रिम्स में हुई मौत। घटना 18/12/2021 का है। रोड क्रॉसिंग करते समय गाड़ी संख्या JH10A1919 ने मारी टक्कर। ग्रामीणों के द्वारा SNMMCH अस्पताल भेज दिया गया। मरीज का स्थिति देखकर डॉक्टरों ने उसे रांची रिम्स के लिए भेज दिया। उसी दिन 9:30 बजे रिम्स के लिए रेफर कर दिया, लेकिन मरीज सुखलाल राय के परिजन बताते हैं कि रिम्स में सही ढंग से इलाज नहीं होने के कारण सुखलाल राय की मृत्यु दिनांक 21/12/21 को 3 बजे रात में हो जाती है। उसे उठाकर उसके पैतृक गांव दयाबस पहाड़ पहुंच जाते हैं। मृत सुखलाल राय को देखकर मृतक के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृत की पत्नी बताती है कि घर की स्थिति बहुत दयनीय है, उसके 3 छोटे-छोटे बच्चे को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन सारा कष्ट मेरे पर छोड़ गए। इसलिए मैं सरकार के पदाधिकारी एवं जनता के प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द सरकारी सहयोग दिलाने का एवं दुर्घटना बीमा राशि दिलाने का कार्य करे, क्योंकि मेरा और कोई सहारा ना रहा। अतः मैं झारखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि मुझ पर दया किया जाए। छोटे को आशीर्वाद। लेकिन जो ये मतलब हुआ है तो इसका मतलब कुछ निर्णय मतलब हमको चाहिए। कहने एक गरीब आदमी है, मतलब इसको मतलब निर्णय मतलब फुल एंड फाइनल मतलब चाहिए। क्या मदद चाहिए? जो घर में जो होगा खर्चा पानी जो होगा वो हमको लिए हमको चाहिए। हमको कहने मेरे पास तो पैसा नहीं है, गरीब आदमी हम है ना, अपना पढ़ाता लिखाता ना, वही हमको चाहिए बस। तो बाल बच्चा जो पढ़ रहा है लिख रहा है वो लोग क्या करेगा? होना चाहिए बस। तो कुछ तो हम लोग को हेल्प चाहिए सरकार तरफ से, बस हमको यही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे भी होगा जो क्या सर, ये जो गाड़ी एक्सीडेंट किया है इसके बारे में क्या इसके मालिक से बात हो पाई है? नहीं जी, नहीं मालिक से बात नहीं हो पाया। हम लोग प्रयास भी किए, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ थाना वालों को बुलाया, वहाँ से बुला करके गाड़ी भी लेकर थाना भिजवा दिया, और बड़ा वो से भी हम लोग संपर्क किए, कल रात में भी हम किए थे। तो मतलब जो भी प्रक्रिया होगा प्रक्रिया से ही मिलेगा, इससे तो कुछ मिलता नहीं है। इसको तब तक जो है अपना विधि विधान करवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हेलो, हाँ डब्लू, जोहार जोहार। हाँ बोल, ये तो हाल है। वीडियो आवा है, वीडियो कहाँ है? 12:15 बजे तक। ये जो घटना कब का घटना है? 18 तारीख घटना। क्या हुआ था? ये रोड के कार के एक्सीडेंट है, कार से साइकिल रोड किनारे था और साइकिल से मतलब एक कोई ड्रेन था, ड्रेन के अंदर घुस गया था, घुस गया थोड़ा सा बाकी था, एकदम शॉट के मार दिया, एकदम किनारे मार दिया, और मारने के कारण गाड़ी टायर पंचर टायर उड़ गया। जैसे गाड़ी पकड़ा गया, जब गाड़ी पकड़ाने के बाद कैसे ड्राइवर जो था भाग गया, गाड़ी को पकड़ा गया, गाड़ी पकड़ा गया तो गाड़ी थाना चल गया। हम अस्पताल में चले, इधर हॉस्पिटल ले गए। कौन सा हॉस्पिटल ले गए थे? PMCH ले गए, वहाँ जवाब दे दिया, तब ले गया वहाँ। माना जा रहा है कि रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी आप लोग का एक आरोप है कि यहाँ सही से इलाज नहीं हो पाया, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है कि जो वहाँ मरीज को ले जाके 3 दिन रखा गया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, तो आदमी खराब ही तो ना बोलेगा ना। जब सुनवाई नहीं हो, जिसके चलते दवा पानी नहीं होने के कारण डेथ कर गया। अगर पैसा रहता तो दूसरा कोई अच्छा हॉस्पिटल में जाके प्राइवेट से इलाज कर रहा था तो हो सकता है, बच भी सकता था। अब इतना इसका पास समर्थ नहीं था कि जो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके प्राइवेट में इलाज करा सकता था, इसलिए वहाँ ले जाना पड़ा। अगर पैसा रहता तो यहीं अगले बगले में बहुत ऐसा हॉस्पिटल है कि जो पैसे के बदौलत हो सकता था, लेकिन नहीं रहने के कारण रांची ले गया, लेकिन वहाँ ठीक से इलाज नहीं होने के कारण डेथ बॉडी लेके आना पड़ा। मरने का रहेगा और क्या बोलेंगे? सुन लो, अगर मरने का देखे हाँ, मरने का है सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करना, मरने का है तो मरबे करेगा, मरने वाला तो कोई रोक नहीं सकता है मरने वाला को, प्राइवेट में लेकिन अगर रहता है अगर उतना समर्थ तो कुछ आशा था कि बच सकता था, नहीं रहने का कारण
आज देश को ले जाना पड़ा। अगर सरकारी कोई ऐसा व्यवस्था है इस गरीब के लिए तो उसका सहयोग अगर मिल जाएगा तो आगे कुछ सहायता वो होगा इसका, और नहीं तो जो अपना तरफ से होगा वो तो करवे करेंगे। अभी तक सरकार के द्वारा कुछ ऐसा सुविधा मिल पाई है? अभी तक तो कुछ ऐसा सुविधा नहीं मिला है। कम कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन तो मिला है तो आश्वासन तो उसमें क्या होने जाने वाला है। आप मृतक के क्या है? हम उसका भाई लगेंगे। चलिए।